अजमेर के हरिभा उपाध्याय नगर विस्तार में तेलंगाना हाउस और अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करने का विरोध लगातार किया जा रहा है। आज क्षेत्रवासियों ने इस भूमि के आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर अजमेर पहुंचे। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और अपनी आपबीती भी सुनाई गई। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना हाउस और अल्पसंख्यक छात्रावास कॉलोनी के बीच में बनेगा तो इससे माहौल खराब होगा और क्षेत्रवासियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इसके आवंटन को निरस्त किया जाना चाहिए। इसे लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जल्द निदान करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री का अनुमान कहा जाता है, ऐसे में वह अजमेर क्षेत्रवासियों के लिए हनुमान की भूमिका अदा करते हुए उन्हें राहत प्रदान करें, अन्यथा अगर यहां कोई निर्माण होता है तो फिर वह सहन नहीं किया जाएगा। तेलंगाना हाउस को वहाँ जो अलॉटमेंट किया है और अल्पसंख्यक छात्रावास अलॉटमेंट किया है उसके निरस्तीकरण के लिए हम आए हैं कॉलोनी वासी, और हमने धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को हमने दिया है ज्ञापन दिया है, और इसमें हमने ये कहा कि ये दोनों जगह जो है कॉलोनी के बीच सेंटर में है, यहाँ आबादी है, हमारे परिवार रहते हैं, और ये दोनों ही स्थितियाँ ऐसी है कि हमारे जो वहाँ कॉलोनी वासी हैं बहुत डिस्टर्ब होंगे और हमेशा का आना जाना लगा रहेगा। इससे प्रशासन भी थोड़ा दबाव में रहेगा, उस तरफ से आना जाना रास्ते पे भी दबाव रहेगा। तो हमारा तो यही है कि सरकार किसी की भी हो, अगर बीजेपी के राज में हुआ तब भी हमने विरोध किया था 18 में, उनका भी विरोध किया है, और अभी ये हमें पता लगा तो अभी हमें विरोध कर रहे हैं। तो हम तो आमजन हैं, हम तो दोनों ही सरकार हमारी है, बीजेपी हमारी, कांग्रेस भी हमारी, हम वोट हम ही देते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए, कॉलोनी के बाहर जहाँ सुविधाजनक रहे, चाहे कायड़ विश्रामस्थली की तरफ हो, चाहे इधर बकरा मंडी की तरफ विश्रामस्थली की तरफ हो। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन दिया है कि हम इस बारे में सोचेंगे, सरकार से बात करेंगे, और ये आश्वासन। आपका नाम? सुरेंद्र सिंह चुंडावत, सेक्रेटरी हरिभा उपाध्याय नगर विस्तार समिति। मंत्री जी से मुलाकात की, क्या आश्वासन? मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है, मंत्री जी ने कहा कि मामले के देखेंगे, और उनका कहना था उस शासन में, हमारा कहना है कि हम किसी शासन में हो, वो बीजेपी के शासन में भी हुआ है, कांग्रेस के शासन में हुआ है, हम पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। हमारा वहाँ स्थानीय लोगों की मांग है, स्थानीय लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, इससे पार्टी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि बीजेपी है कांग्रेस है, ये आमजन की भावनाओं का है। जो वहाँ पर चयन किया गया है वो स्थान बिल्कुल गलत चयन किया गया है, दोनों ही स्थान गलत हैं, वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है दोनों स्थान। और जिस तरह से लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र सिंह जी ये हनुमान है सरकार के अशोक गहलोत के, तो उसी तरह जनता के भी हनुमान बने और जनता की परेशानियों को समझे और इस चीज को यहाँ से स्थगित कराएं, निरस्त कराएं, क्योंकि आमजन को बहुत आक्रोश है। यहाँ जितनी समस्या उत्पन्न होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ये अभी तो आमजन की समस्या है, तो हनुमान की तरह आमजन की समस्या को सुलझाकर उसका निपटारा करें, अन्यथा ये मुख्यमंत्री जी की समस्या बनेगी, उसमें आमजन का बहुत बड़ा विरोध होने वाला है, जो कल्पना नहीं कर सकती। तो हनुमान की तरह इसको भी निरस्त करवाएं, आमजन की समस्या को समझें, नहीं तो मुख्यमंत्री जी की समस्या बनने वाली है। आपका नाम? जितेंद्र सिंह।